यहाँ पे स्लो हो रहा है, उधर जा रहा है। ठीक, अवधेश जी स्वागत है जी सर। अवधेश जी ये बताइए कि नमस्कार। अभी कन्हैया जी ने कहा था कि मैं स्पोक्स पर्सन बनने वाला हूँ, उनका भी कोई पत्र नहीं आया। सहारा के ऑफिसेज खुलने वाले थे, उनका भी पत्र नहीं आया। दशहरा बीत गया, अब दीपावली का लोग इंतजार कर रहे हैं, कोई सूचना है? और इस बीच में ईडी की छापेमारी हो रही है, खबर क्या है? जी सर, सबसे पहले आपको नमस्कार और चैनल में जुड़े हमारे सभी साथी को नमस्कार। नमस्कार। और जी सर, मेरा कहना है कि कन्हाई सर दशहरा से दीपावली तक बोले थे कि दशहरा से दीपावली के बीच आपकी, अगर सर आपके पास ये क्लिप कहीं ना कहीं होगी या उसको चला के देख लिया जाएगा, वो दशहरा से दीपावली तक ये बात बोले थे। तो दशहरा अब ये कोई छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है सर, छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है, दो चार लोगों की व्यवस्था नहीं है सर, ये लाखों करोड़ों की व्यवस्था है। तो इमीडिएट हम कहें कल हो जाए ऐसे नहीं हो सकता है सर। और इसकी व्यवस्था हो रही है, ये हम कहें ना कहें ये आपको भी सर महसूस हो रहा होगा कि संस्था में क्या हलचल है और कौन सी कार्रवाई चल रही है, इसकी व्यवस्था सर हो रही है। थोड़ा सा समय लग रहा है, ये एक एक दिन आज के लिए कष्टदायक है, ये मैं भी जान रहा हूं और मैं भी समझ रहा हूं। चूंकि मैं अवधेश जी, ईडी क्यों छापेमारी कर रही है? ईडी सर ई पेमेंट के संबंधित कोई छापेमारी की व्यवस्था नहीं कर रही है। ईडी का जो पुराना एक बार छापा पड़ा था आपको पता होगा, उसी के विषय में गई है। इससे तो कोई ये नहीं है कि पुराना जो छापा पुराना सर, आप दो महीना पहले जो ईडी का छापा पड़ा था कपूरथाला पे कॉम्प्लेक्स पे, और उसी के विषय में गई है। जो जो लोग वो बता रहे थे कुछ एविडेंस मिला है, तो एविडेंस मिला नहीं, उसी के बारे में कुछ देर के लिए गई हुई है। और ईडी का तो जाना आना सर रहेगा, जब अगर हम गलत नहीं है तो सरकार कोई भी पहलू ऐसी नहीं छोड़ेगी कि भाई की जांच कर लिया जाए। और ईडी के छापा से कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम स्वच्छ हैं, साफ हैं, और कल भी साफ थे और आज भी साफ है। दूसरा सर चीज सर, एक सर आपसे निवेदन है कि आपके चैनल पे बहुत सारे साथी आते हैं और अपनी बात कहें, अच्छी बात है, लेकिन हमारे चैनल पे बैठे साथी सर्टिफिकेट देने लगते हैं। जैसे एक दिन एक आदमी बोला कि देश के सबसे बड़े पत्रकार, अब वो देश के सबसे बड़े पत्रकार को बोल दिए, वो सर्टिफिकेट देने लगे। ये कुछ लोग पत्रकारिता करने लगे, ऐसा नहीं है, पत्रकारिता करने के लिए कोर्स करना पड़ता है। और कुछ लोग चैनल में आके सर, इसको सर आप इस पे एक अंकुश लगाइए, ये बहुत गलत बात है कि कोई कहता है कि हम कीड़ों मकोड़ों से बात नहीं करेंगे, चाटुकार है इससे बात नहीं करेंगे, तो किस एविडेंस की बात करते हैं, कौन से एविडेंस उनको चाहिए और वो किस एविडेंस के साथ हमसे बात कर रहे हैं, वो कौन होते वाले हमसे सवाल पूछने वाले। क्योंकि 2022 तक वो भी सहारा में कार्यरत थे, 2022 तक वो भी सहारा में कार्यरत थे। और एविडेंस की जहां तक बात थी सर, आज से 15 दिन पहले एक सज्जन आए थे, वो बोल रहे थे आपके चैनल पे कि सहारा का प्रबंधक बैठ के दारू पीते हैं और रात को अय्याशी करते हैं, उनसे एविडेंस सर मांगा जाए, एविडेंस की बात अगर किया जाए तो उनसे मांगा जाए। और उस दिन सर आप भी उपलब्ध थे। ये सब बातें अगर डिबेट में होगी, और सर आप पे भी लोग उंगली उठाने वाले उठाए हैं, कल के परसों में मैं डिबेट देखा हूं कि आप सहारा वाले को ज्यादा समय देते हैं। मेरा सर, मैं जो जितना न्यूज आज तक देखा हूं, जितनी मेरी उम्र हुई है, बहुत सारे न्यूज चैनल चलते हैं, लेकिन जो मैटर जो चीजें आपने उठाया और आप पे भी लोग उंगली उठाते हैं, तो अब तो सोचने वाली बात है, तब किसको आप कहिएगा भाई। मुझे तो नहीं लगता है, आज तक महसूस नहीं हुआ है कि आप सहारा वाले को ज्यादा प्रेशर देते हैं या विरोध में है उनको ज्यादा प्रेशर देते हैं। आप तो सबको एक मंच देते हैं, अपनी बात कहने का अधिकार देते हैं, सबकी बात सुनते हैं, तो ऐसी ऐसी बात क्यों कही जाती है सर। कल भी कुशवाहा जी सज्जन व्यक्ति हैं, उनका हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उनके बोलने चलने का भाषा सर बहुत सही नहीं है। मैं आपसे
ये निवेदन पूर्वक कहता हूँ, और इस तरह की बातें अगर वो कर रहे हैं तो थोड़ी सी उन पर अंकुश लगाया जाए। क्योंकि डिबेट सर ये आप हम नहीं देख रहे हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड देखता है, और इसमें हमारी बातें जो होनी चाहिए अमर्यादित नहीं होनी चाहिए, मर्यादा में रख के हमारी बात होनी चाहिए। जी सर बोला जाए, धन्यवाद। नहीं एकदम अवधेश जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। मैं ये देख रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि आप जिनके लिए लड़ाई लड़ते हैं और एक कभी एक पल के लिए भी उनको लगा कि अरे भाई ये हो गया, तो उनको बड़ा संदेह होने लगता है, और संदेह एक बीमारी है, तो उसका तो इलाज नहीं किया जा सकता है। मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा कि जब मैं निवेशकों के साथ खड़ा हूं तो ऑटोमेटिकली मैं सहारा के साथ खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि सहारा का कोई अस्तित्व नहीं है बिना निवेशक के। और जब मैं एजेंट की बात कहता हूं कि मैं एजेंट के साथ खड़ा हूं, तो ऑटोमेटिकली सहारा के साथ खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि एजेंट के बिना फिर सहारा का कोई अस्तित्व नहीं है। सहारा का जो ऑपरेशन था वो क्या था? निवेशकों से पैसे लेना, पैसे को सुरक्षित जगह पे रखना और निवेशकों को संतुष्ट करना कि इतने दिनों के बाद हम आपको पैसा लौटा देंगे, यही रिलेशन है। अब ये कोई सहारा, कोई साइकिल नहीं बनाती थी, सहारा कोई कार नहीं बनाती थी, सहारा कोई मोबाइल नहीं बनाती थी। तब हम कह सकते थे कि भाई हम लेबर के साथ खड़े हैं, सहारा कंपनी के साथ खड़े नहीं है। यहां तो अन्योनाश्रय संबंध है। अगर आप खड़े हैं निवेशक के साथ, एजेंट के साथ, तो समझिए कि सहारा के साथ खड़े, क्योंकि उसके बिना कोई अस्तित्व नहीं है सहारा की। ये पैसे के लेन देन का ही मामला था। अब ये बात सही है कि 2010 तक सहारा का जो भी ऑपरेशन रहा, इस पर हम लोगों ने कई बार चर्चा की है, शुभम ने बहुत गंभीरता से एक बार बताया भी था कि 2010 तक जो भी ऑपरेशन था आरबीआई के अधीन, उनके गाइडलाइन में बिल्कुल ठीक चला, उसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं रही, उससे आगे बढ़ा। बीच में हो सकता है कि खुद सहारा कंपनी को इस बात का इल्म ना हो कि वो जो ओएफसीडी लॉन्च कर रही है वो ओएफसीडी सेबी के परव्यू में आने वाली है, हो सकता है उनको इस बात की जानकारी नहीं हो, क्योंकि हर बात हर को जब मालूम ही हो ऐसा मैं नहीं मानता। हो सकता है कि सहारा की ये गलती हो गई हो कि वो सेबी से तकरार कर बैठी, सेबी को ये कहने पर लग गई कि ये आपका परव्यू ही नहीं है, ये आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, जुरिस्डिक्शन तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है, और इसलिए ये दोनों के बीच में ठन गई। और वो फिर वो ईगो, सहारा अपने हिसाब से अपना पक्ष रख रही होगी, सेबी अपना पक्ष रख रही होगी कानूनी तरीके से, और वो मामला जो है पूरी तरह से सेबी के पक्ष में चला गया, और यहां से मामला जो है बदल गया, और इसीलिए आज सहारा श्री को या सहारा श्री के परिवार को या पूरी कंपनी को सुनना पड़ रहा है, निवेशकों का सुनना पड़ रहा है, एजेंट का सुनना पड़ रहा है। तो ये तो कारण है ही। अब इसको समझने के लिए दिक्कत ये है अवधेश जी, जिनके परिवार में मौतें हो गई हैं, जिनको पैसे की सख्त जरूरत है, उनके सामने अगर आप वेद वाक्य पढ़ने लगिएगा या वेद की किताब खोल लीजिएगा, रामायण महाभारत करने लगिएगा, तो उनको प्रथम दृष्टिया संतुष्टि होगी। अगर कोई ऋषि मुनि होंगे तो शायद मान जाए, लेकिन ऋषि मुनि की तो कल्पना नहीं की जा सकती है ना इस सांसारिकता में। तो उनका ही, उनकी ये नाराजगी है, उनका ये गुस्सा है, मैं स्वाभाविक रूप से मैं जानता हूं, और इसीलिए ये गुस्सा जब आगे बढ़ता है तो उसके उस गुस्से के लाइन में जो कोई भी आता है सब खराब हो जाता है, और यहां पर मैं उनको जायज मानता हूं। इस क्रम में अगर वो मेरे ऊपर भी कोई आरोप लगाते हैं तो मैं उनके प्रति सहानुभूति ही रखता हूं, उनकी कोई आलोचना नहीं करता हूं, उनको सम्मान ही देता रहूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। और अगर मैं निवेशकों की हालत बहुत नजदीक से नहीं देखा होता तो मैं शायद कोई और बात आपसे कर रहा होता। मैंने बहुत नजदीक से निवेशकों की हालत को देखी है, इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो भी निवेशकों का गुस्सा है उसे हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमें उसके साथ रहना पड़ेगा, और इसीलिए उनके गुस्से के निराकरण के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और तभी मैं कहता हूं कि मैं इतना असंवेदनशील प्रबंधन को भी बिल्कुल नहीं मानता हूं। मेरे मेरे जहन में दूर दूर तक ये बात नहीं आती है कि सहारा का
उच्च पदस्थ प्रबंधन इतना इनसेंसिटिव होगा, पैसे लेके भाग जाएगा और लोगों को मरने के लिए छोड़ देगा, और वो ये सोचेगा कि बलो अब तो इसको कोई पैसा देना नहीं है, अब भाग जाओ यहां से, चले जाओ। मैं ऐसा मानता नहीं हूं, मेरा दिल ये स्वीकार नहीं कर रहा है। तो अब ये परेशानी है, अगर मैं ये बोलूं तो जो निवेशक हैं वो कहते हैं नहीं वो तो फ्रॉड है, लेकिन मैं तो थोड़ी दृष्टि थोड़ी बड़ी करके मैं देखता हूं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी प्रवृत्ति शायद नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी प्रवृत्ति है, मान लीजिए कि मैं गलत हूं और ऐसी प्रवृत्ति है, तब तो ये बहुत दुखद है, तब तो उनको भुगतना पड़ेगा साहब। फिर अवधेश जी, मैं और आप कोई नहीं बचाएंगे। अगर उनकी प्रवृत्ति ही पैसा देने की है तो ये बहुत गलत है, ये तो मानना पड़ेगा अवधेश जी आपको। जी सर, कि नहीं मैं अगर नहीं नहीं बिल्कुल सर, आपकी बात जायज है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं जमाकर्ता के कष्ट को मैं देखता हूं आज, जो लोग हमारे बीच नहीं रहे, हमारे कर्जकर्ता, हमारे जमाकर्ता, उनके कष्ट से मैं भी दिखू हूं सर। लेकिन मेरे साथ भी एक अप्रिय घटना घटा, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है। मेरे परम पूज्य सहारा श्री, जिन्होंने 12 लोगों को रोजगार दिया, और किसी परिवार के मेन सदस्य को कुछ हो जाए, वो हमारे बीच आज नहीं है, उनको भी लोग आज गाली देते हैं चैनल पे आके। जो जो व्यक्ति